please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. ये जो सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में जिसका नाम कांग्रेस है, जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सोनिया गांधी के नेतृत्व में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। राहुल गांधी तो अभी 2 महीने पहले आए हैं। राहुल गांधी अध्यक्ष कहां थे तो सोनिया नहीं 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 तो आप अब ये कौन सा खेल खेला जा रहा है कि जिसमें हमारी ही पार्टी के 2 नेताओं को अलग अलग करके पर दिखाया जा रहा है? क्या सोनिया गांधी हमारी सबसे वरिष्ठ नेता नहीं है? नहीं, अब चर्चा पूरी वैसी है कि सोनिया जी को तो स्वीकार कर रहे हैं, राहुल जी को नहीं। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं? भाई साहब मैं नहीं कर रहा हूँ। एक परिवार, भाई साहब मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही कर रहे हैं। आपके अरे माजिद मेमन की बाइट सुनाई जाए, माजिद मेमन एनसीपी के नेता, कांग्रेस के घटक साथी, इनका साउंड बाइट सुनाया जाए, पवन जी को इसी वक्त सुनाया जाए। ये जबरन मीडिया को ब्लेम करते हैं हर जगह। आप मीडिया को ब्लेम नहीं कर सकते, आपके अपने साथी हैं भाई, आपको मैं सुनाऊंगा आपको। माजिद मेमन का रिएक्शन यहाँ पे प्ले किया जाए इसी वक्त, माजिद मेमन का रिएक्शन प्ले किया जाए, ये बड़ी बात है। माजिद मेमन को सुनना पड़ेगा। पवन जी एक मिनट सुनिए। छोटी सी मीटिंग में तय हो चुकी है कि राहुल गांधी को अगर कांग्रेस का अध्यक्ष का पद दिया गया तो उसके बावजूद भी, उनके अध्यक्ष बन जाने के बाद भी, मैडम सोनिया गांधी जो है वो कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चीफ है, वो यूपीए की चीफ है, इसलिए मेन रोल मैडम सोनिया गांधी अदा करेंगी। राहुल गांधी सिर्फ अपनी संगठन तक के सीमित रहेंगे। कुछ लोगों को इससे आपत्ति ज़रूर थी कि राहुल गांधी के पास अनुभव नहीं है, राहुल गांधी के पास वो कद नहीं है, मगर इसीलिए सोनिया जी दोबारा एक्टिव हो गई हैं, मैदान में आ गई हैं। बड़ा क्लियर था पवन जी, मैं आऊँगा आपके पास। माजिद मेमन का बयान की वजह से ये डिबेट हो रहा है। ये बयान मैंने नहीं दिया है, ये आपके अपने घटक साथी ने दिया है। मैं आप मेरे कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। नहीं कह रहा हूँ,